मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल बताऊंगा और राशिफल के बीच में सवाल आपका जवाब मेरा कार्यक्रम में कल की तरह ही कुछ और मेरे चैनल के दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मैं आपको शॉर्टकट में या छोटे रूप में या संक्षिप्त रूप में दूंगा। और मैंने ये सवाल हम सबसे संबंधित होने के कारण चुने हैं, लेकिन इस समय सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन का पंचांग क्या है। आज दिनांक 22 मार्च 2020 रविवार का दिन चैत्र मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिन में 10:07 तक रहेगी, फिर चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। सतविशा नक्षत्र रात 10:27 तक रहेगा, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग दोपहर 1:04 तक रहेगा, फिर शुभ योग शुरू होगा। वणिजकरण दिन में 10:07 तक रहेगा, फिर विष्टिकरण यानी कि बद्रा शुरू होगी। चंद्रमा दिन रात कुंभ राशि में गोचर करता रहेगा और आज का जो राहु काल है वह शाम 5:16 से 6:46 तक रहेगा। आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है, इसलिए अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो पश्चिम दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा। पंचक दिन रात चलते रहेंगे और आज जोधपुर के समय के अनुसार सूर्योदय सुबह 6:43 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:46 पर होगा। यह था आज के दिन का पंचांग और आज से मैं वापस जिनका जन्मदिन है और जिनके शादी की सालगिरह है उनके लिए जो मैं रोजाना उपाय बताया करता था पहले, लेकिन होली के समय में व्यस्त होने के कारण मैंने वह प्रोग्राम बीच में बंद कर दिया था, लेकिन काफ़ी मेरे दर्शकों ने मेरे को कहा कि आप वह प्रोग्राम वापस शुरू करो, यह प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से हमें हमारे जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर क्या करना है इसकी जानकारी हमें मिल जाती है, तो मैंने यह प्रोग्राम वापस शुरू कर दिया है। आज जिनका जन्मदिन है उनको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं और उनके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आज आप मेरे जो दर्शक हैं उनमें से किसी का जन्मदिन है तो आज के दिन एक लाल कपड़े में 1.25 किलो गेहूँ या 1.25 किलो या 1.25 किलो जितनी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो या भावना हो देने की, लाल कपड़े में बांध कर किसी मंदिर के अंदर आप चढ़ा कर आ जाए, यह आपके लिए आज के दिन की शुभता को बढ़ाने वाला और आने वाले साल में आपको अन्न धन का भंडार बढ़ने वाला प्रयोजन रहेगा। और इसके अलावा जिनकी आज शादी की सालगिरह है उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनके लिए कि आज उनको क्या करना है, तो जिनकी आज शादी की सालगिरह है वह अपने साथी को लाल रंग की जो चेरी होती है वह अपने साथी को अपने हाथ से खिलाएं और उनका मुंह चेरी से मीठा करवाएं तो आपका प्रेम प्यार बढ़ेगा, आने वाला साल पूरा आपके लिए एक दूसरे के विश्वास और प्रेम प्यार में बढ़ोतरी के साथ बीतेगा। अब देखते हैं कि आज का दिन 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है, लेकिन राशिफल देखने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं नया कोई वीडियो पोस्ट करता हूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। मैं अपने वीडियो में आपकी सलाह के अनुसार हमेशा फेरबदल करता रहता हूं, मैं अपने वीडियो में पंचांग बताया करता हूं, राशिफल बताया करता हूं, जिनका जन्मदिन है जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए उपाय बताया करता हूँ और साथ में जो मेरे यूट्यूब के दर्शक है कभी कभी कोई ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिनका संबंध बहुत लोगों से होता है, तो ऐसे सवाल को चुनकर मैं राशिफल के बीच में सवाल आपका जवाब मेरा कार्यक्रम में जवाब भी देता हूं, यानी कि आप यह मान सकते हैं कि मेरे वीडियो के अंदर कई प्रकार के सही उपयोगी जानकारियां आपको मिलती है, तो आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और मेरे हर वीडियो को आप देखेंगे तो आपका निश्चित तौर से ज्ञान जो है वह बढ़ेगा। अब बात करते हैं राशिफल की और सबसे पहले देखते हैं मेष राशि।
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है, मानसिक परेशानी के छुटकारा आपको मिल जाएगा, छोटे मोटे काम आपके बन जाने से थोड़ा बहुत राहत भी आपको मिलेगी। हालांकि आज आपके 11वें लाभ स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है और यह चंद्रमा जो है वह आपके लिए शुभ फल देने वाला है। आपका जो व्यापार है आज के दिन विशेष रूप से मैं यह कहूंगा कि उन्नति करेगा, या आज आपको ऐसा कुछ लाभ व्यापार में नौकरी में मिलने वाला है जिसकी उम्मीद आप काफी समय से लगाकर बैठे हुए थे, उस वैसा फल आपको आज मिलने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए आज का जो दिन है वह अच्छा दिन है। रोजगार की तलाश में अगर आप हैं तो आज थोड़ा सा प्रयास करें, आज आपके रोजगार की समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको। अगर आपने रोजगार के लिए कहीं आवेदन किया है या आप नया आवेदन करना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा अपनी पसंद को ध्यान में रखकर आवेदन करें तो लगता है कि जल्दी ही आपकी पसंद का जॉब आपको मिल जाएगा। आपके लिए एक काम को निर्धारित करें, पहले उसको पूरा करें। जो काम आपका पहला है, प्राथमिकता है, वह काम पहले करें और इसके साथ ही कुछ नए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी आज का दिन जो है आपका अच्छा रहेगा। यह बना हुआ है, बहुत लोग आज आपको सलाह देंगे, मशवरा देंगे और आपको आगे बढ़ने में, आपके विकास में, उन्नति में वो लोग सहायक सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रबल भाग्योदय कारक बना हुआ है। कर्ज, बीमारी, शत्रुता आदि पीड़ा में आज आपको कमी आने के संकेत मिल रहे हैं और फिर भी आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि यह समस्या आज भी समाधान नहीं हो रही है तो बस आप अपने आप पर पूरा भरोसा और विश्वास रखें, जल्दी ही आप इन सब समस्याओं से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढ लेंगे और रास्ता भी बना लेंगे। आपको धार्मिक या फिर सेवा संबंधी कार्यों में आज यश मिलेगा। सोच, विचार, बुद्धि चातुर्य से आज किया गया काम आपको लाभदायक सिद्ध होगा। आज आपके 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको जल्दी जल्दी सफलता मिल जाएगी, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। परिवार और मित्र मंडली जो है आपके सहयोगी, वह आज के दिन पूरा सहयोग भी करेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन एकदम विपरीत गोचर वाला बना हुआ है, क्योंकि आपकी राशि का जो चंद्रमा है वह आज आपके 8वें मृत्यु स्थान में चला गया है या गोचर कर रहा है और यह चंद्रमा आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं है। आपके मन में चिंता, फिकर, हानि, कोई चोट लगना, कोई भय बना रहेगा ऐसा, या कोई चिंता ऐसी हो सकती है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। आप जो भी काम पहले से करते आ रहे हैं वह काम आज करते रहें, विशेषकर नया कोई काम ना करें, नया इन्वेस्ट ना करें। 8वें मृत्यु स्थान का जो चंद्रमा है यह आपके लिए हानिकारक है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और जो आप अपने शत्रु मानते हैं जिन लोगों को, उनके ऊपर भी आप नज़र रखें, वो आज आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, शानदार दिन है, सफलता पाने वाला दिन है। आज आपका मन थोड़ा जरूर चंचल रहेगा और आपका जो ध्यान है विपरीत लिंगी की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम निवेदन आज करना चाहते हैं तो आज के दिन आप करें, क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में गोचर कर रहा है, यह आपके प्रेम को और नज़दीक लाने का काम करेगा। आपको अपने जो प्रस्ताव दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं प्रेम का, उसमें आपको सफलता मिलने के ज़्यादा योग बने हुए हैं। परिवार के साथ में आप कहीं घूमने फिरने का मजा भी ले सकते हैं। आप अगर वैवाहिक हैं आप तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा, सुखपूर्वक बीतेगा और आपस में आप प्रेम जो है वह बढ़ावा रहेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक है। वैसे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो ऐसा भी योग नहीं है और कोई बड़ी हानि हो ऐसा योग भी नहीं है, लेकिन आज आप अपने नियमित जो काम है वह करते रहेंगे तो कोई
ज़्यादा नफा या नुकसान वाली स्थिति नहीं रहेगी। सामान्य जो लाभ मिल रहा है वह मिल जाएगा। आज के दिन नए लोगों का अगर साथ लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर ले, क्योंकि आज कुछ ऐसा योग बना हुआ है शनि चंद्र का, आपस में योग आपके छठे स्थान में बना हुआ है, तो यह थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उलझा सकता है, किसी बड़ी चिंता में डाल सकता है। तो आप जो भी करें वह एक दिन दो दिन रुक कर करेंगे, आज सिर्फ सोचे विचारे निर्णय करें और काम करना वह दो दिन बाद करेंगे तो इसमें लाभ मिल जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, सफलता पाने वाला दिन है। आज कोई बोझ जो है आपके सिर में, जो इतने दिन से परेशानी पैदा कर रहा था, वह उतर जाने से आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि जो काम पुराने हैं वह अब आपको लाभ दे सकते हैं। आपको आज नए काम करने में रुचि होगी, थोड़ी मेहनत तो आप करेंगे तो उसका लाभ आपको पूरा मिल जाएगा। परिवार में शांति रखें और आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं वह मार्ग जो है आपके लिए और ज़्यादा अब आसान बनता चला जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। वैसे तो आप शांति से ही हर काम को करने के आदि होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको गुप्त शत्रु थोड़ा परेशान भी कर देते हैं या परेशानी में डाल देते हैं। आज आप हर स्थिति को सोचकर, समझकर, देखकर उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। आज आपके जो शत्रु है, गुप्त शत्रु है, वह आपका ध्यान आपके काम से हटाकर आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आज आप अपने काम पर लक्ष्य रखें और इधर उधर की बातों में, लोगों की बातों में ज़्यादा ध्यान न दें। आपका पूरा दिन अच्छा बीत जाएगा। आज आपके चौथे सुख स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है। चौथा चंद्रमा जो है वह अशुभ फल दिया करता है। आप सावधानी से रहेंगे तो कोई आपको अशुभ फल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन जो है वह आपके स्वभाव और जो आप चाहते हैं उसी प्रकार का दिन बीतने वाला है। आपकी जो कार्यों में रुचि है वह आज और किसी नए कार्यों में भी रुचि बढ़ सकती है। आप उसको करने के लिए बहुत उतावले हो सकते हैं, तैयारी आप पूरी कर सकते हैं। आपको अपने काम में कोई भी दखल आज के दिन पसंद नहीं आने वाला है और आप आज अपने स्टाइल में ही काम को पूरा करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और अगर किसी की बात में आकर उसके अनुसार काम किया तो जो लाभ है वह भी आपके हाथ से निकल जाएगा। जिसका अगर लाभ लेते हैं तो इसका पूरा श्रेय भी आपको है, और अगर अपने गलत निर्णय से हानि उठाते हैं तो भी इसका जिम्मा आपका ही रहेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपसे कहा था कि राशिफल के बीच में मैं सवाल आपका जवाब मेरा कार्यक्रम में, मेरे YouTube के जो दर्शक मेरे से सवाल पूछते हैं उन सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूं। कल भी मैंने 5 सवालों के जवाब दिए थे, आज भी मैं 5 सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में मैं यह वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए मेरे पास में सवालों के काफ़ी स्टॉक जमा हो गए हैं। तो अब मैं छोटे रूप में हर किसी को सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये सवाल मैं क्यों यहाँ राशिफल के बीच में लेकर आता हूँ, क्योंकि यह सवाल जो लोग पूछते हैं उनका संबंध उनसे अकेले से नहीं होता है, आपसे, हमारे से और सब लोगों से होता है इसका संबंध। इसलिए मैं इनको आप सबकी जानकारी के लिए राशिफल के बीच में बताया करता हूँ। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि राजस्थान के एक है प्रतीक दमानी, झुंझुनू से हैं ये। इन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा है कि मेरे घर के गेट के ऊपर छाजे पर रोजाना बहुत सारी चिड़िया जमा हो जाती है और जोर जोर से चींची करती है, शोर मचाती है, तो इसका क्या अर्थ होता है? कहीं शोर मचाने का मतलब वो हमें सावधान तो नहीं करना चाहती, कोई पूर्व सूचना तो नहीं देना चाहती? हम लोग थोड़ा परिवार के लोग डर रहे हैं, तो आप हमारे जो है जिज्ञासा उसको शांत करें कि यह क्या हो रहा है, अच्छा है या बुरा है। तो प्रतीक जी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा प्राय लोगों के घरों में होता ही है।
किसी के बहुत सारी चिड़िया घर में आ जाती है या मुंडेर पर बैठकर चींची करना या चह चहाना शुरू कर देती है। इसको आप शोर नहीं कहें, इसको आप चिड़ियों का चह चहाना कहेंगे तो यह अपने आप ही शुभता में परिवर्तित शब्द जैसा लगेगा आपको। कई लोगों के घर में, कल भी मैंने आपको बताया था कि कईयों के घर में चिड़ियाँ जमा हो जाती है, कईयों के घर में कोयल बैठकर रोज़ाना बोलती है, किसी के घर में पपैया बैठकर रोज़ बोलता है, यानी कि किसी के घर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई पशु है, पक्षी है, किसी के कौवा ही बोलना शुरू कर देता है, किसी के घर में छत पर कबूतर रोज़ाना आके बोलते हैं। तो यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन जहाँ तक बात चिड़ियों की है, यह बिल्कुल आपके लिए शुभ फल देने वाला है। यह आपकी आर्थिक स्थिति में आने वाले समय में या भविष्य में सुधार का प्रतीक आप इसको मान सकते हैं। दूसरा सवाल है जो राजस्थान से ही भानुराम विश्नोई ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि कल रात मुझे अचानक आसमान में एक टूटता हुआ सितारा दिखाई दे गया था, तब से मेरा मन बहुत बेचैन है कि कुछ अनहोनी न हो जाए। तो भानु प्रताप जी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछ लिया है। मैं आपको यह जवाब देना चाहता हूँ कि आपने जो कल तारा टूटता हुआ देखा है वह बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। तारा टूटता हुआ देखना, और अगर आप उस समय टूटते हुए तारे की जो धारा बनती है, जो एक चमक बनती है लंबी लाइन जैसी, उसी समय अगर कोई शुभ बात सोच लेते हैं या कोई ऐसा बात उनसे मांग लेते हैं, वरदान मांग लेते हैं या मन में कोई ऐसी मांग कर लेते हैं, तो वह मांग निकट भविष्य में जल्दी ही पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। यह कोई अशुभ सूचना या अशुभ फल देने वाला नहीं है, आप निश्चित कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल पूछा है मेरे को विमल सोनी रामनगर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने मेरे को पूछा है कि एक साधु मेरे घर पर हाथी को लेकर आया था और हाथी बार बार अपनी सूंड ऊंची कर रहा था, तो कोई यह संकट की बात तो नहीं है, कोई भविष्य में संकट आने का संकेत तो नहीं है? तो विमल सोनी जी, मैं आपको यह बता देता हूं कि यह जो हाथी आपके दरवाजे पर आकर ऊंचा सूंड किया, यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। दरवाजे पर आकर सूंड उठाना विजय और लाभ का प्रतीक आप इसको समझें। इसका बुरा शकुन या अपशुकन या कोई अशुभ सूचना से कोई ताल्लुकात नहीं है। जो भी हाथी ने किया वह आपके लिए पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में सफलता दायक है और शुभ फल देने वाला रहेगा, आप इसको ऐसा ही माने। अब चौथा सवाल जो है वह राजस्थान से एक महिला है, वाणी भटनागर ने पूछा है कि गुरुजी प्रणाम, मेरा मन दो दिनों से बहुत विचलित हो रहा है क्योंकि लगातार दो दिनों से मेरे हाथ से घर में दो कांच के बर्तन टूट गए, एक शीशी फूटी और दूसरा जो है कांच का एक सजावटी आइटम था वो गिरकर टूट गया है, तो क्या मेरे जीवन में कोई संकट आने की यह पूर्व सूचना है? तो वाणी जी, जो आपने कहा वह मैं आपको यह कहूँगा उसके बदले में, आपके जवाब सवाल के जवाब के बदले में मैं आपको यह कहूँगा कि वाणी जी आप खुश हो जाइए, क्योंकि कांच का टूटना अति शुभ माना जाता है और प्राय हर घरों में हमारे हाथ से भी ऐसा कई बार होता आया है या होता रहता है, और ये शुभ काम या लाभ होने की पूर्व सूचना आप इसको मान सकते हैं। एक बात मैं भी कहूँगा कि जिन लोगों के हाथ से अचानक से कभी कांच फूटता है तो वहाँ पर आर्थिक लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती देखी है मैंने, तो आप खुश रहें, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो लाभदायक होने वाली है और आपका जो समय है आगे अच्छा शुरू होगा। अब मैं आपको पांचवा और आखिरी सवाल जो है वह भी बता देता हूँ कि पांचवा और आखिरी सवाल मेरे को हरिलाल जिनगर ने भोपाल से, मध्य प्रदेश से लिखकर पूछा है
कि किसी को जन्मदिन या शादी की सालगिरह या किसी अन्य शुभ अवसर पर ताजमहल गिफ्ट में देना अशुभ क्यों माना जाता है, या किसी को गिफ्ट में ताजमहल क्यों नहीं देना चाहिए? यह सवाल हरिलाल जी जीनगर ने भोपाल मध्य प्रदेश से मेरे को पूछा है। तो हरिलाल जी, बात ऐसी है कि ताजमहल एक सुंदर इमारत है, लेकिन वो दो प्रेम करने वाले प्रेमियों में से एक प्रेमिका की मौत होने के बाद उसकी याद में बनाई गई इमारत है, जो दो प्रेमियों के बिछड़ने का स्मृति स्थल है और एक बिछड़े प्रेमी की याद में बनाया गया मकबरा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी कोई किसी को गिफ्ट में ताजमहल देता है, तो वो मित्र या प्रेमी या प्रेमिका या परिवार का कोई सदस्य हमेशा से बिछड़ जाता है, नाराज हो जाता है और रिश्तों में फर्क पड़ जाता है। इसलिए ऐसा ताजमहल जैसा प्रतीक चिन्ह, जो मकबरा भी है और बिछड़ने का प्रतीक भी है, मृत्यु का सूचक भी है, यह नहीं देना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो किसी का अगर ये जो सारे इसके प्रभाव हैं मैंने अभी बताए, ऐसा होता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए किसी को भी कभी गिफ्ट में ताजमहल और रुमाल, यह दो चीज़ किसी को देना नहीं चाहिए। आज के वीडियो में मैंने 500 सवालों के जवाब दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनके सवाल के जवाब दिए वह आज मेरे जवाब से ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। और भी काफ़ी सवाल मेरे पास में एकत्रित हो गए हैं, तो कल भी मैं वीडियो के बीच में आपके लिए नई जानकारी देने वाले सवाल का जवाब दूंगा। और अब देखते हैं कि हमारी बाकी जो बची हुई राशियां हैं उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है। आखिर में तीन राशि बची है, उसमें सबसे पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक उन्नति और धन प्राप्ति का है। एक काम को पूरा करने के बाद ही आप दूसरा काम शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज तो निश्चित ही सफलता आपके द्वार पर खड़ी आपको मिलेगी। आर्थिक लाभ होने का योग प्रबल बना हुआ है। आपको जो भी साथ दे और सलाह दे सबका स्वागत करना है और अपने लाभ को हासिल करना है। आज आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है, और जब दूसरे धन स्थान में कुटुंब स्थान में चंद्रमा आता है तो मित्रों से, परिवार के लोगों से मिलना होता है, मित्र आपके घर आते हैं या आपको किसी के घर जाना पड़ता है। इस प्रकार से दिन जो है वह पूरा चहल पहल और रौनक के साथ में बीत जाता है। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह जो आज का दिन है, इस पूरे महीने का सबसे शानदार और अच्छा दिन है। आपको हर कार्य में आज के दिन सफलता मिलेगी। आपको आज ऐसा योग बन रहा है कि चहुमुखी सफलता मिले। शुभ समाचार मिलने से परिवार में आपके खुशियां बढ़ेगी। निकट और दूर की यात्रा करने का अगर सोच रहे हैं तो जरूर करें, आज योग बना हुआ है। आपकी इच्छा के अनुसार आज सारे के सारे काम आपको बनते चले जाएंगे। आज आपकी राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है, यह आपको शुभ फल प्रदान करने वाला है। कहीं पद ग्रहण करना है तो भी कर सकते हैं, कहीं कोई भी शुभ मांगलिक काम अगर करना चाहते हैं या शामिल होना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और कुल मिलाकर आज का दिन आपके परिवार के साथ में बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन जो है वह विपरीत स्थिति वाला बन गया है। आज आपके जो काम है वह बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत सावधानी रख कर जो करेंगे उसमें ही आपको थोड़ा लाभ हो सकता है या शांति मिल सकती है। वैसे हर काम में आज आपको परेशानी और विघ्न का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी और के भरोसे रहे तो आज आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। पैसे टके संबंधी मामलों में आप उलझे नहीं, इसलिए अगर किसी के साथ में लेन देन करना हो तो बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना आज का जो धन लिया है दिया है वह फंस सकता है। आपने अगर ले लिया तो चुकाने में मुश्किल हो जाएगी, किसी को दे दिया तो वापस पाने में मुश्किल हो जाएगी। 12वें खर्च स्थान में चंद्रमा गोचर करने के कारण आज आपको हर प्रकार से होशियार रहकर दिन बिताना है तो साधारण दिन बीत जाएगा।
यह था आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल, और राशिफल के बीच में मैंने आप YouTube के जो दर्शक हैं मेरे, वो जो सवाल पूछते हैं कभी मेरे को, तो ऐसे सवालों के जवाब आज मैंने राशिफल के बीच में सवाल आपका जवाब मेरा कार्यक्रम में दिया है। आप कार्यक्रम पूरा ध्यान से देखें, निश्चित तौर से मैं समझ सकता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है, ज्ञान बढ़ाने वाला होने वाला है। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो आपको मेरा, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। कल फिर मैं नए वीडियो में नए पंचांग नए राशिफल के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और 5 नए जो मेरे YouTube के दर्शक हैं उन्होंने सवाल पूछे हुए हैं, उन 5 सवालों के जवाब भी कल मैं आपको दूंगा। मेरे पास इतने दिनों में बहुत से सवाल जमा हो गए हैं, तो मैं रोज़ाना सबको जवाब देता रहूँगा।